हेलो गाइस, आई एम सुमीर पुदार एंड यू आर वाचिंग प्ले केमिस्ट्री सो गाइस, आज हम स्टडी करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक टॉपिक एंड दैट इज एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो हम ये देखने वाले हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहाँ कहां पे यूज होने वाला है एंड वी आर गोइंग टू स्टडी इट्स स्टैन एप्लीकेशन सो लेट्स डू इट अब सबसे पहले आ रहा है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस अब हम स्टडी कर रहे हैं क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस तो आपको पता होगा कि हम टाइट्रेशन करते हैं और टाइट्रेशन के दौरान क्या होता है टाइट्रेशन के दौरान हमारे पास जो सैंपल दिया हुआ है उसमें कलर का चेंज आता है और जैसे ही कलर का चेंज आता है तो हम रीडिंग्स ले लेते हैं और रीडिंग्स लेने के बाद हम ये पता लगा सकते हैं कैलकुलेशन करके मैथमेटिकली कि हमारे पास कोई भी सैंपल का कितना अमाउंट uh, है या कोई भी आयंस का कितना अमाउंट है तो हमारे को इस टाइप का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चाहिए होता है मेटल एंड लिगेंड्स मेटल सेंटर में होता है और उसके आसपास लिगेंड्स लगे होते हैं तो ये होता है बेसिक सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्ट्रक्चर अब लिगेंड्स में भी स्पेशली हमें चाहिए चिलेटिंग लिगेंड्स चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होता है चिलेटिंग लिगेंड्स ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो क्लोज्ड या साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्लोज्ड और साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने वाले लिगेंड्स को हम कहते हैं चिलेटिंग लिगेंड अब चिलेटिंग लिगेंड्स की खासियत यह है कि ये कलर चेंज करता है तो जब हम टाइट्रेशन करेंगे तो हमें कलर चेंज विजिबल होगा सो दैट इज चिलेटिंग लिगेंड्स। अब चिलेटिंग लिगेंड्स के हमारे पास यहां पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं फर्स्ट इज ईडीटीए सेकंड इज डीएमजी थर्ड इज एल्फा नाइट्रोसो फिर बीटा नेफ्थोल एंड ये सब हमारे चिलेटिंग लिगेंड्स हैं जिनसे हम क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं अब हम इनके थोड़े से स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं बिकॉज दैट आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू तो अब है ईडी अब ईडी का अगर हम आईयूपीएसी नेम देखे तो इसका IUPAC होता है आई टेट्रा ने तो ई सेन डी से डाइमीन टी से, से टेट्रा ए से एसीटेट। तो ये है हमारा कंपाउंड अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखे तो इसका स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके का अब इस स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि इथाइलिन क्या है डाइमीन क्या है और टेट्रा एसिटेट क्या है अब इसका हम स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं तो यहां पे मैंने बना रखा है इसका स्ट्रक्चर अब यहां पे क्या है ये है सी एस टू सी एस टू यह बना होता है इथाइलिन ग्रुप से यानी कि दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होगा पर जब पूरा इसमें कंपाउंड जुड़ेगा तो ये डबल बॉन्ड मिसिंग हो जाएगा तो ये किससे बना हुआ है इथाइलिन से सो तो यहां से वर्ड आया इथाइलिन अब देखते हैं हम डाई अमीन, अमीन मतलब कि इसमें दो अमीन ग्रुप्स होंगे अमीन क्या होता है एनएच टू ग्रुप यानी कि नाइट्रोजन के साथ दो लिंकिंग साइट होने चाहिए तो एक नाइट्रोजन हम यहां पे देख सकते हैं ये नाइट्रोजन के साथ दो लिंकिंग साइड तो ये हो गया एक अमीन और इसी तरीके से नीचे भी क्या है एक नाइट्रोजन दो लिंकिंग साइट तो ये बन गया हमारा दूसरा अमीन तो यहां से हमें मिल गया दो डाई सो तो ये है हमारे डाई अब एसिटेट ग्रुप क्या होता है सी एस थ्री सी यू एच एसिटिक एसिड तो वहां से आया हमारे पास एसीडेट और यहां पे क्या लिखा हुआ है टेट्रा एसिडेट यानी कि चार एसिटिक एसिड ग्रुप तो सी एस थ्री सीयूएच एक यहां पर एसिटिक एसिड फर्स्ट सेकेंड सी एस टू सी यू एच है ना यहां पे हमें एक और मिल गया एसिटिक एसिड का ग्रुप एक और एसिटिक एसिड यहां पे एक और एसिटिक एसिड यहां पे तो यहां पे कितने हो गए चार एसिटिक एसिड के ग्रुप तो ये हो गया टेट्रा तो ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ईडीटीए। और ये यूज होता है चिलेटिंग लिगेंड की तरह। यानी कि इसे हम यूज कर सकते हैं क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस में तो इनमें से हम डीएमजी और क्यूप्रोन का आप स्ट्रक्चर देख लेते हैं डीएमजी का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का तो यह है डीएमजी इसका नाम है डाई मिथाइल अब यहां पे अगर हम देखें तो एक पार्ट आ रहा है ये एच नाइट्रोजन कार्बन कार्बन नाइट्रोजन ओ एच तो ये जो हमारा पार्ट है इस पार्ट को हम कहते हैं ग्लाई ऑक्साइन तो यहां तक तो ये ग्लाई ऑक्साइन बन गया है अब यहां पे एक मिथाइल ग्रुप इधर लगा है और एक मिथाइल ग्रुप इधर लगा है तो इसे हम कहेंगे डाई मिथाइल तो ये इसका नाम बन गया डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्साइन और जब हम इसे शॉर्ट में लिखेंगे तो हमें मिल जाएगा डीएम जी तो ये बन चुका है डीएम जी अब देखते हैं हम क्यूप्रॉन तो उूप्रॉन का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग और दोनों कार्बन पे एक और दोनों कार्बन पे एक एक फिनाइल ग्रुप एक फिनाइल इधर एक फिनाइल इधर और एक कार्बन के साथ नाइट्रोजन और अल्कोहल और दूसरे कार्बन के साथ अल्कोहल तो कुछ इस तरीके का है ये स्ट्रक्चर सो so, ये दोनों है हमारे चिलेटिंग लिगेंट्स जिन्हें हम क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस में यूज करते हैं अब है हमारा नेक्स्ट पॉइंट हार्डनेस ऑफ वाटर तो हार्डनेस ऑफ वाटर पता होगा कि हमारे वाटर में क्या होता है हार्डनेस प्रेजेंट होती है एंड इट इज़ प्रेजेंट बिकॉज ऑफ़ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन तो आपको पता होगा कि जो हमारे ग्राउंड वाटर से हमें वाटर मिलता है या जो भी फ्रेश वाटर नहीं होता वो किस टाइप का होता है हार्ड वाटर और इस हार्ड वाटर को हम सोप्स के साथ यूज़ नहीं कर पाते क्यों क्योंकि इसमें होते कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन और ये होते बहुत ही हैवी हैवी एटम्स और इनके कारण से हम इसे यूज़ नहीं कर पाते तो EDTA भी हमने रिसेंटली पढ़ा है ईडी क्या होता है इथाइलिन डायमीन टैट्रा एसीटेट तो यहां पे हम यूज कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स एंड दैट इज सोडियम ये होता है एक वीक टाइप का कॉम्प्लेक्स पर जब ये सोडियम ईडी इन आयंस के साथ रिएक्ट करता है तो ये बना देता है एक नया कॉम्प्लेक्स तो हमारे को मिल जाते है कुछ स्टेबल से कॉम्प्लेक्सेस ये स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन के एंड दे आर फॉर्म्ड विथ ईडी तो ये दोनों बन जाएंगे काफी स्टेबल कॉम्प्लेक्स ये था काफी वीक बट ये क्या बन गया स्टेबल टाइट्रेशन तो आपको पता ही होगा कि टाइट्रेशन हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम देखते हैं कि कितने आयन प्रेजेंट है कितना अमाउंट ऑफ आयन प्रेजेंट है तो मैं यहां पे देखूंगा कि कैल्शियम के कितने आयन प्रेजेंट है और मैग्नीशियम का आयन कितना प्रेजेंट है तो इसके लिए हम करेंगे कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन अब हम अपने थर्ड पॉइंट पे एंड दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ़ सिल्वर एंड गोल्ड यानी कि सिल्वर और गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करना तो हम सिल्वर और गोल्ड को कहां से एक्सट्रैक्ट करते तो ये है मेरे पास Ag2S इसे हम कहते हैं सिल्वर ब्लेंड तो ये है हमारा एक और, और इसमें से हम सिल्वर को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हम देख लेते हैं कि हम कैसे करेंगे तो सबसे पहले हमें इसे रिएक्ट कराना है सोडियम साइनाइड से तो सोडियम साइनाइड इस ओर के साथ मिलके एक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बना देगा सो वी आर गेटिंग दिस कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स यहां पे सोडियम सिल्वर और साइनाइड ये सब मिलके एक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं तो कुछ इस तरीके से यहां पे इस ओर में से सिल्वर को इसने एक्सट्रैक्ट कर लिया सो वी आर गेटिंग सिल्वर हेयर इन दिस कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स अब इसे हम क्या कहते हैं इसमें है सोडियम साइनो कंपाउंड और अर्जेंटेट तो ये हो गया सोडियम अर्जेंटेट तो ये है इसका नाम सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट ये बन गया हमारा कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स अब ये जो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है इसमें से हमारे को सिल्वर को एक्सट्रैक्ट करना है अब सिल्वर को एक्सट्रैक्ट करना है तो हमारे को क्या करना होगा कि यहां पे इससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल यूज करना पड़ेगा तो यहां पर यह जो सोडियम सिल्वर साइनाइड है इसमें हम यूज कर रहे हैं जिंक एंड जिंक इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर तो जिंक यहां पे आके रिएक्ट कर जाएगा और सिल्वर को हटा देगा तो हमें क्या मिल रहा है तो यहां पे आप देख सकते हो कि आ गया सोडियम साइनाइड एंड साथ में यहां पे सिल्वर की जगह आ गया जिंक अब सिल्वर जो है वो हमारा बाहर निकल जाएगा एंड इट विल बी इन प्योर फॉर्म तो यहां पर सिल्वर हमारा अलग हो चुका है एंड इट विल बी इन प्योर फॉर्म तो यहां पे मेरे पास पड़ा है इम गोल्ड और इसको मुझे क्लीन अप करना है तो मैं क्या करूंगा यहां पे पोटेशियम साइनाइड यूज करूंगा वाटर यूज करूंगा और ऑक्सीजन यूज करूंगा तो जब हम इन सबको रिएक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स तो यहां पे आप देख सकते हो कि ये आ गया पोटेशियम गोल्ड और साइनाइड का कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स तो यहां से पोटेशियम साइनाइड एंड गोल्ड ये सब मिलके क्या बना रहे हैं कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स और साथ में बन रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अब ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है यहां पे क्या है इसने गोल्ड को कंज्यूम कर लिया है अब हमें गोल्ड को रिकवर करना है अब गोल्ड को रिकवर करने के लिए हम क्या करेंगे कि गोल्ड से रिएक्टिव मेटल यूज करेंगे तो ये है हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और यहां पे हम अगेन यूज कर रहे हैं जिंक अब जिंक क्या करेगा कि गोल्ड को यहां से रिप्लेस कर देगा और गोल्ड इसमें से निकल जाएगा तो हमें मिल जाएगा पोटेशियम जिंक साइनाइड तो ये इन सबका हमारा एक कोर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बन गया यहां पे गोल्ड की जगह जिंक ने ले ली और साथ में हमें मिल गया गोल्ड। तो यहां से हमें मिल गया गया गोल्ड गोल्ड तो तो से हमें प्योर पहले था गोल्ड में और फिर जब हमने इसे हमारे गोल्ड हो गया अब हम देख रहे तो हम अब बाकी के मेटल्स को कैसे प्योरिफाई करेंगे सो लेट्स एग्जाम्पल हमारे पास है निकल का अब ये जो निकल है ये हमारे पास एमप्योर फॉर्म है। यानि में यानी कि इसमें है मिलावट और इसको प्योरिफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाना होगा तो ये जो निकल है इसका हम ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना देंगे तो निकल से बन गया निकल कार्बोनाइल अभी जो निकल कार्बोनाइल है ये हमारा एक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बन गया अब इसको हम करेंगे डी और डी करने पर क्या होगा कि हमें दोबारा मिल जाएगा निकल एंड दैट इज इन प्योर फॉर्म अब हम देखने जा रहे प्रेजेंट होते हैं तो बायोलॉजिकल सिस्टम आपको ह्यूमन है, है, सभी में कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स अलग अलग रूप में प्रेजेंट होता है तो हम देख लेते हैं कि कहां कहां पर कॉर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हमें मिलता है तो सबसे पहले आता है क्लोरोफिल क्लोरोफिल बना होता है मैग्नीशियम आयन का नेक्स्ट आता है हेमोग्लोबिन हेमोग्लोबिन बना होता है आयरन आयन का और तीसरा है विटामिन बी वन टू ये बना होता है कोबाल्ट आयन का और इज ए ये बना होता है जिंक आयन का एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेस ये भी बना होता है जिंक आयन का तो सबसे पहले आता है क्लोरोफिल क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है प्लांट्स में एंड प्लांट्स में ये एक ग्रीन पिगमेंट के फॉर्म में होता है एंड इट इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस तो ये बात तो हमें पता ही है अब क्लोरोफिल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यह होता है मैग्नीशियम का एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स अब यहां पे क्या होता है कि अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो यहां पे मैग्नीशियम आयन सेंटर में होता है सो so, इसका एक कॉम्प्लेक्स ये स्ट्रक्चर है जिसमें मैग्नीशियम आयन सेंटर में होता है तो जैसे हमने क्लोरोफिल देखा बिल्कुल वैसा ही है, है हेमोग्लोबिन हेमोग्लोबिन क्या होता है हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और हेमोग्लोबिन भी एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है तो हम इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर में में सेंट्रल है है आयरन आयन ठीक जैसे क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन था सेंट्रल एटम उसी तरीके से इसके सेंट्रल एटम में है आयरन आयन तो अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसके स्ट्रक्चर में सेंट्रल एटम होता है आयरन आयन बिल्कुल जैसे ही क्लोरोफिल में मैग्नीशियम सेंटर में था उसी तरीके से यहां पे एफ टू पॉजिटिव सेंटर में होता है तो ये तो आपको पता ही होगा कि एनीमिया क्या होता है एनीमिया होता है डेफिशिएंसी ऑफ आयरन के कारण तो हमारे जो ब्लड है उसमें आयरन की कमी होती है जिसके कारण से अनिमिया होता है अब मैं चलता हूं विटामिन बी में तो ये जो विटामिन बी है ये हमारे बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट होता है तो ये किस चीज का बना होता है ये होता है कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और इसको हम साइनो कोबाल अमीन भी कहते हैं अब इससे क्या मतलब हुआ साइनो से तो हमें पता चल रहा है कि इसमें क्या है साइनाइड आयंस और साथ में क्या है कोबाल्ट, यानी कोबाल्ट एंड अमाइन यानी कि एनएस ग्रुप लेट से कि हमारे बॉडी में इस चीज की डेफिशिएंसी होगी तो हम क्या करेंगे कि हम विटामिन बी एज अ सप्लीमेंट लेंगे तो वहां से हमारे को कोबाल्ट की जो कमी हो रही थी बॉडी में वो कोबाल्ट की कमी फुलफिल हो जाएगी अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट केस में। यह है कार्बोक्सी ए। अब ये जो चीज होती है ये बनी होती है जिंक कॉम्प्लेक्स की अब ये जो कार्बोक्सी ए है ये कहां पे प्रेजेंट होता है इट इज प्रेजेंट इन आवर पेनक्रिया तो ये हमारे पेनक्रिया में क्या काम करते हैं तो इसका काम होता है हाइड्रोलिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स तो प्रोटीन में जो पैप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं उनको ये ब्रेक करता है एंड ये क्यों चाहिए होता है बिकॉज ऑफ प्रोटीन डाइजेशन तो हमारे बॉडी में जो प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है उसके लिए हमारे को इस चीज की जरूरत पड़ती है एंड दैट इज कॉल्ड कार्बोक्सी पैप्टाइडिस ए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पे एंड दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स अब कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स भी क्या है बिल्कुल ऊपर वाले की तरह ये भी बना होता है जिंक का कॉम्प्लेक्स बट इट इज डिफरेंट ये हमारा एक ऐसा एंजाइम है जो कार्बन डाइऑक्साइड को बाई में कन्वर्ट करते हैं अब इसकी जरूरत क्यों है क्योंकि ये हमारे बॉडी में जो टिश्यूज हैं और जो ब्लड सेल्स हैं उनमें हमारे को एसिड बेस को बैलेंस करना होता है तो हमारे को क्या चाहिए कि हमारे ब्लड में एसिड एंड बेस बैलेंस्ड रहे तो उसके लिए हमें चाहिए होता है एक बफर सॉल्यूशन। ये एक बफर का ही काम कर रहा है सो so गाइज आपको पता होगा कि जो हमारे इंडस्ट्रियल केमिकल प्लांट्स होते हैं तो उनमें हमें कैटेलिस्ट की जरूरत पड़ती है अब हमारे इंडस्ट्री में यूज किया जाने वाला एक सबसे फेमस कॉम्प्लेक्स है एंड दैट इज रोडियम कॉम्प्लेक्स रोडियम कॉम्प्लेक्स हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 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 बना होता है 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 रोडियम रोडियम से जो कॉम्प्लेक्स उसका स्ट्रक्चर एंड इसका फॉर्मूला तो रोडियम के साथ क्या है कि हमारे पास तीन फॉस्फोरस लगे हुए हैं और तीनों फॉस्फोरस के साथ साथ तीन फिनाइल्स लगे हैं तीन फिनाइल इधर तीन फिनाइल इधर एंड तीन फिनाइल इधर, इधर और नीचे लगा हुआ है क्लोरीन तो ये है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और ये है एक मेटल तो ये जो हमारा कैटलिस्ट है इट इज एक्टिंग एज अ ऑर्गेनो मेटेलिक कैटेस्ट तो ये है हमारा रोडियम कॉम्प्लेक्स जिसका स्ट्रक्चर ये है और जिसका फॉर्मूला ये है अब ये रोडियम कॉम्प्लेक्स हम कहां पे यूज करते हैं वी यूज इन हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन अब एल्कीन आपको पता होगा जिसमें डबल बॉन्ड हो और उसका हमें करना है हाइड्रोजनेशन यानी कि उसमें हमें हाइड्रोजन ऐड करना है तो वही चीज है यहां पे ये है एल्कीन जिसमें है डबल बॉन्ड और इसमें हमें हाइड्रोजन ऐड करना है तो इसको ऐड करने के लिए हमारे को चाहिए होता है कैटलिस्ट कैटलिस्ट हम बहुत सारे करते हैं उसी तरीके से हम यहां पे हम यूज कर रहे हैं रोडियम कॉम्प्लेक्स और रोडियम कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं कैटलिस्ट तो फिर दोनों ही हम कह सकते हैं रोडियम या अब इससे क्या होगा कि इसका हाइड्रोजनेशन हो जाएगा डबल बॉन्ड की जगह क्या आ जाएगा सिंगल बॉन्ड और दोनों साइड क्या लग जाएगा एक एक हाइड्रोजन जो कि हमें पता है तो यहां पे आ गया सी एस थ्री एंड सी एस थ्री तो ये क्या हुआ डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और इस प्रोसेस को हम सिंथेसिस के नाम से भी जानते हैं गाइस अब है हम अपने नेक्स्ट कैटलिस्ट 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 पे एंड दैट इज नाटा नाटा तो जिगलर ये काफी फेमस कैटलिस्ट होता है जो कि यूज होता है पॉलीमराइजेशन के लिए तो क्या होता है इसे हम देख लेते हैं तो आप देख सकते हो कि ये क्या है टाइटेनियम एक होता है ट्रांजिशन मेटल और ये क्या एल्यूमिनियम एंड इट इज दैट इज इथाइल तो एल्यूम एंड स्ट्रक्चर देखें तो इसके स्ट्रक्चर टाइटेनियम के आसपास लगे हुए चार क्लोरिन तो ये बन गया टी आई अब यहां पे है हमारा एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम के आसपास लगे तीन इथाइल ग्रुप सी टू एच फाइव सी टू एच फाइव एंड सी टू एच फाइव तो वो लगा हुआ है थ्राइस तो ये बन गया हमारा ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड और ये बन गया हमारा ट्रांजिशन मेटल टाइटेनियम तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये करेगा बहुत ही एक अच्छे कैटलिस्ट का वर्क आपको पता है ट्रांजिशन मेटल क्या होते, है, होते हैं बहुत ही एक्टिव होते हैं एंड दे कैन बी यूज एज कैटलिस्ट अब इन दोनों को जब हम यूज करेंगे तो हम पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कर सकते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन आपको पता ही होगा जैसे यहां पे हमारे पास इथिन पड़ा है ये जो इथीन एस में होता है डबल बॉन्ड और हमारे पास मान लो एन कंपाउंड है हमारे पास एन टाइम्स ऑफ इथिन के बहुत सारे हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं और उनको हमें ज्वाइन करना है तो हम क्या करेंगे ये ऊपर वाला कैटलिस्ट इसमें डालेंगे जिगलर नाटा कैटलिस्ट तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट जब हम डालेंगे तो क्या होगा ये पॉलीमराइज हो जाएगा मतलब कि ये चेन में कन्वर्ट हो जाएगा तो जितने भी इथिन है वो एक दूसरे के साथ जुड़ते जुड़ते ये कंपाउंड बना देंगे सी एस टू सी टू एन टाइम्स तो ये इस तरीके से ज्वाइन होते रहेंगे आप देख सकते हो कि यहां पे एक कंपाउंड एक कंपाउंड इधर एक कंपाउंड इधर जब हमने कैटलिस्ट डाला तो ये सारे एक साथ एक दूसरे के साथ जुड़ गया तो ये बन गया हमारा पॉलिमराइजेशन एंड इट इज कॉल्ड जिगलर नाटा कैटलिस्ट अब हमारा सेवेंथ पॉइंट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग विथ सिल्वर एंड गोल्ड सो लेट से हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस पे हमें सिल्वर या गोल्ड की इलेक्ट्रो प्लेटिंग करनी है तो वो चीज हम कैसे करेंगे तो इसके लिए हमें चाहिए होता है सिल्वर साइनाइड का सॉल्यूशन या गोल्ड साइनाइड का सॉल्यूशन तो आपको पता है जब भी हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो वहां पे हमें चाहिए होता है कि इलेक्ट्रोलाइट तो यहां पर हमें, तो हमें चाहिए होगा सिल्वर साइनाइड या गोल्ड साइनाइड डिपेंडिंग ऑन कि हमारे को किस चीज की इलेक्ट्रो प्लेटिंग करनी है लेट से कि हमें सिल्वर की प्लेटिंग करनी है तो हम यूज करेंगे सिल्वर साइनाइड और अगर हम हमें गोल्ड की प्लेटिंग करनी है तो हम करेंगे गोल्ड साइनाइड तो यहां पे हम एक सॉल्यूशन यूज करेंगे अब लेट्स से कि मेरे पास ये एक स्पून है और मुझे इसकी इलेक्ट्रो प्लेटिंग करनी है तो मैं इसकी इलेक्ट्रो प्लेटिंग कैसे करूंगा मैं यहां पे लूंगा गोल्ड साइनाइड का सोल्यूशन तो मुझे जो इलेक्ट्रोलाइट तो चाहिए वो है गोल्ड साइनाइड का तभी जाके इसमें गोल्ड की प्लेटिंग हो पाएगी और नेक्स्ट चीज़ है यहां पे हमें चाहिए एक एनोड और एक चाहिए कैथोड एनोड भी मेटल एंड कैथोड भी मेटल होना चाहिए अब एनोड में क्या हो सकता है एनोड में हमें चाहिए गोल्ड का एनोड ये जो एनोड है ये गोल्ड का बना होना चाहिए और ये जो हमारा मेटल है ये कोई भी मेटल हो सकता है जिसपे हमें इलेक्ट्रोप्रेटिंग करना है तो जब हम ये सेटअप कर देंगे एंड इलेक्ट्रोलाइसिस शुरू करेंगे तो क्या होगा कि गोल्ड यहां से रिमूव होते रहेगा डीकम्पोज होते रहेगा और वो इधर जाके डिपॉजिट होते रहेगा तो यहां से गोल्ड डीकंपोज होते रहेगा और यहां पे गोल्ड आके डिपॉजिट हो जाएगा तो इस तरीके से इस स्पून पे गोल्ड की प्लेटिंग हो जाएगी सो so गाइज अब है हम अपने नेक्स्ट एप्लीकेशन पे एंड एंड दैट इज ब्लैक फोटोग्राफी तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का क्या काम होता है तो आपको पता होगा कि हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए एक चाहिए होता है नेगेटिव फिल्म अब ये जो नेगेटिव फिल्म होता है इस पे चाहिए होता है हमें सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर क्यों चाहिए होता है? क्योंकि इट इज सेंसिटिव मटेरियल। अब जब हम इसे यूज कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे पास कुछ बच जाता है, कि हमारे पास कुछ बच जाता है. और ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है अब इसे हमें क्लीन अप करना पड़ेगा तो इसको क्लीन अप करने के लिए हमारे को चाहिए होता है एक तो इसको क्लीन अप करने के लिए हमें चाहिए सोडियम तो ये है एन ए टू एस टू ओ थ्री इसे हम कहते हैं हाइपो सॉल्यूशन और इसे हम यूज करेंगे अनडिकम्पोस्ड एजीबीआर को क्लीन अप करने के लिए अब इसका हम केमिकल रिएक्शन भी देख लेते हैं इसके केमिकल रिएक्शन में ये रहा सिल्वर ब्रोमाइड ये रहा सोडियम थायोसल्फेट और इससे बन गया एनए थ्री तो यहां पे क्या हुआ एनए थ्री ए जी एस थ्री ओ टू ट्वाइस तो ये बन गया हमारा कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स तो इस तरीके से ये हमारा एक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बन गया अब जब हम इसे इस हाइपो सोल्यूशन के साथ क्लीन करेंगे तो साथ ही साथ सिल्वर ब्रोमाइड के साथ साथ ये कॉम्प्लेक्स भी क्लीन अप हो जाएगा सो सो अब अब हम स्टडी करें थेरेपी थेरेपी के बारे में और ये है है हमारा पॉइंट होता क्या है? So guys, कभी कभी हमारे बॉडी में मेटल टॉक्सिक प्रोपोर्शन में होता है यानी कि हमारे बॉडी में मेटल एक्सेस प्रोपोर्शन में होता है और उसके कारण से हमारे को बॉडी में बीमारियां होने लगती हैं अब हमारे बॉडी में आपको पता होगा कि आपने सुना होगा कि बॉडी में लेड के कारण पॉइजनिंग होगी या कोई भी अदर मेटल के कारण बॉडी में प्रेजेंट होने के कारण एक्सेस में पॉइजनिंग हो जाती है तो वही है मेटल यहां पे हमारे पास कॉपर आयरन और लेड अब इन कॉपर आयरन लेड को हटाने के लिए हमारे को कुछ कुछ मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी है ना तो हमारे को यहां पे कौन सी मेडिसिन चाहिए होंगे उनके नाम लिखे हुए हैं सो लेट स्टडी अबाउट इट तो सबसे पहले लिखा है कि बॉडी में एक्सेस ऑफ कॉपर है तो जब एक्सेस ऑफ कॉपर होगा तो हमें चाहिए होगा चिलेट थेरेपी यानी कि हमारे को कॉपर को हटाने के लिए करना पड़ेगा चिलेट थेरेपी तो ये कॉपर को हटाने के लिए हमारे पास होता है ये चीज तो ये है डी तो इससे एक्सेस ऑफ कॉपर जो है वो बॉडी से रिमूव हो जाएगा तो ये क्या है एक टाइप का कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है जो कॉपर के साथ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके साथ ही साथ वो बॉडी में से रिमूव करते जाएगा सो तो ये होगा इसके कारण अब मैं चलता हूं एक्सेस ऑफ आयरन तो आयरन के लिए हमारे पास लिखा हुआ है डी फेरी ऑक्साइम बी तो ये जो डी फेरी ऑक्साइम बी है ये क्या करेगा आयरन का कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाएगा और उसे बॉडी में से रिमूव करते जाएगा और इसी तरीके से आता है लेड पॉइजनिंग लेड पॉइजनिंग को रिमूव करने के लिए हमारे पास होता है ईडीटीए तो ईडीटीए हमने पहले भी डिस्कस किया है होता क्या है इट इज इथाइलिन डाइमीन टेट्रासीटेट तो लेड पॉइजनिंग इस तरीके से हटता है अब मैं देखता हूं सिस् प्लेटिन सिस प्लेटिन होता है एक एंटी कैंसर ड्रग अब कैंसर क्या होता है एक ट्यूमर का ग्रोथ होने लगता है बॉडी में है ना जैसे ब्रेन में या कहीं पे भी बॉडी में ट्यूमर का ग्रोथ होने लगता है तो वो हो गया कैंसर और उस कैंसर को हटाने के लिए हमारे को चाहिए सिस प्लेटिन तो इसका अब हम स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं यहां पर है प्लेटिनम सेंटर में गिरा प्लेटिनम और दो अमोनिया इधर लगे हुए हैं और दो क्लोरीन इधर लगे हुए सो so गाइज ये था हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पे वीडियो आई होप यू लाइक दिस वीडियो फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस कीप वॉचिंग आवर चैनल सो आई एम सुमेर पुदार एंड यू आर वॉचिंग प्ले केमिस्ट्री एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग